स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं सागर, जहां पर बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम विकास की ओर बुंदेलखंड जारी है। आपके व्यक्तित्व के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके शब्दों में जो मिठास होती है उतनी मिठास तो मीठा में भी जितनी आपके शब्दों में मिठास होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चैनल से उनका नाम चलता है, पर आपका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व से आपके बिना बंसल न्यूज अधूरा है, मैं ये कह सकता हूँ। और जब मैं कोई भी चैनल देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि सरज जी बोल रहे हैं, तो वो मैं सारे चैनल छोड़ के सरज जी के चैनल पे सुनता हूँ। एक बार मैंने आपको बताया भी था कि दिल्ली में जब मध्य प्रदेश में ये सब सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस समय मैं दिल्ली में एक स्थान पर था और भी बड़े नेता थे, तो मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है उसकी सही खबर देखने के लिए हम लोग बंसल न्यूज लगाते हैं। और बंसल न्यूज से वहाँ पर हम लोगों को जो भी परिस्थितियाँ थी उसकी ठीक जानकारी हम लोगों को मिल जाती थी। तो आपके व्यक्तित्व में बंसल न्यूज की विश्वसनीयता है, समाज में तेजी से स्थान बनाया है और आज प्रदेश का एक विश्वसनीय चैनल बंसल न्यूज है, इसलिए मैं बंसल न्यूज का भी धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जहाँ तक या गंभीर व्यक्तित्व के बारे में आपने कहा, तो हर जगह पे सरज जी अलग अलग भूमिका होती है। समय पर गंभीरता भी होना चाहिए, समय पर सौम्यता भी होना चाहिए, और समय पर हम सबको भूल मिलिए और एक अच्छे माहौल में रहना चाहिए। ये तीनों चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। हर समय हर भूमिका अच्छी नहीं है, जिस भूमिका का जब जो समय होता है उस समय में वो भूमिका होती है तो उस भूमिका में व्यक्ति ठीक लगता है। और इसलिए मैं जब जैसी भूमिका होती है उस भूमिका में रहने की कोशिश करता होगा, और उसको कई बार लोग गंभीरता भी मान लेते हैं, सौम्यता भी मान लेते हैं, पर वो जिस स्थान पर मेरी जैसी भूमिका होती है वैसा मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है बड़ा माकूल जवाब मिला, परिस्थितियों को देखकर बल्लेबाजी करना, ये क्रिकेट में आप बहुत सुनते हैं, और भूपेंद्र जी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल वैसा है। लेकिन एक चीज जो इन्होंने नहीं कही और शायद कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं शायद कह सकता हूँ कि आपके व्यक्तित्व का गांधी अगर गहरा गांधी तो गहरा होता ही, वो गहरा है तो कोई आपके दायरे में एक सीमा के बाद प्रवेश करने के पहले कई बार सोचता है। इसका फायदा क्या है? फायदा इसलिए ज्यादा है कि आप कई बार इसकी वजह से अपनी निजता की रक्षा, अपने व्यक्तित्व का जो निजी पक्ष है, उसमें से कई लोग चाहते हैं कि हम अपनी निजता की रक्षा गरिमा से, और दूसरा
राजनीति में हो गए थे, भी विचार मुझे ही कहना शोभा देगा कि आपके इस व्यक्तित्व की वजह से आप बहुत सारी झंझटों से बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा भूपेन जी एंग्री यंग मैन कब हो जाए, कुछ पता नहीं, क्योंकि गंभीर की एक सीमा है। अंग्रेजी में एक शब्द है टेरिटोरियल इंपेरेटिव। हम सब का एक टेरिटोरियल इंपेरेटिव होता है कि इस टेरिटरी के अंदर अगर आ गए तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। भूपेन जी को टेरिटोरियल इंपेरेटिव बनाकर रखते हैं, लेकिन एक राजनेता की तरह बहुत खुले हैं। और सत्ता परिवर्तन की उन्होंने बात की तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, जब हमने इनको इस्तीफे लेकर आते हुए बेंगलुरु से देखा तो जहाँ जैसी बल्लेबाजी की जरूरत है वैसी बल्लेबाजी, और उस मामले में भी हमने देखा। और मेरी इनसे बात भी होती थी तो वही गंभीर स्वर में होता था, कोई उत्तेजना नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, घट रही है। हाँ शरद जी सर, ऐसा हमें पता चला कि आप ऐसा, हाँ ऐसा अगर आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा, बात खत्म। अगले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। आपने जो बात कही सर उसी से मैं सवाल अपना उठाता हूँ। आज आप बुंदेलखंड को किस तरह की भूमिका की जरूरत आप दी, आप जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और सामने बैठे हुए बुंदेलखंड के लोगों की तरफ से। देखिए सर जी, आज से 15-20 साल पहले का बुंदेलखंड और आज के बुंदेलखंड में बहुत अंतर है। इन 15-20 वर्षों में बुंदेलखंड हर सेक्टर में आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े। बुंदेलखंड को अगर हम लोग देखेंगे तो बुंदेलखंड को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बुंदेलखंड का एक हिस्सा सागर है। सागर ऐसा है कि यहाँ पर मिला जुला कल्चर लगा हुआ, हमारा विदिशा है, भोपाल है, तो कुछ मालवा कल्चर भी है, बुंदेलखंड का कल्चर भी है। और अगर छतरपुर तरफ हम लोग जाते हैं, छतरपुर टीकमगढ़ पन्ना यहाँ अगर हम लोग जाते हैं तो एक बुंदेलखंड का अलग स्वरूप देखने को मिलता है। विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बुंदेलखंड में लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो वो है एग्रीकल्चर, जिससे हमारे समाज के मध्यम वर्ग और बड़े लोग भी बड़ी मात्रा में उससे अपना जीवन यापन करते हैं। छोटे रोजगार की दृष्टि से हम अगर देखें तो बुंदेलखंड में पहले हमारे यहाँ गुड़ी का एक बड़ा काम पूरे बुंदेलखंड में, बल्कि पूरे महाकोश है। गरीब से छोटे लोगों का, गरीब तबके का काफी रोजगार चल रहा है। अब बुंदेलखंड का अगर हमें विकास करना है तो इन 15 वर्षों में हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की, उन प्राथमिकताओं में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है बुंदेलखंड पूरा सूखा हो गया, और इसलिए जितना अधिकतम एग्रीकल्चर एरीगेशन किया इसकी बुंदेलखंड में ला सकते वो हम लोगों का प्रयास है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड के अंदर इन 15 वर्षों में हम लोग अनेक बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं लेकर आए, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे छतरपुर हो, सागर के अंदर जो हमारा देवरी क्षेत्र है, चाहे सोनपुर जलाशय हो,
सागर में जिले में हमारे यहाँ दो बड़ी परियोजना, एक बीना नदी परियोजना जिससे 90,000 हेक्टेयर का इरीगेशन होगा, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। सागर में ही दूसरी बंडा के पास भगवान नदी पर जो सिंचाई योजना है उस पर भी तेजी से काम चल रहा है, उससे भी लगभग 70,000 स्क्वेयर फुट में 70,000 सिंचाई है। पंचम नगर योजना हम लोगों की पूर्ण हो गई, जिससे कि जो दमोह का क्षेत्र है उसमें काफी कुछ जिससे एलिगेशन शुरू हो गया। सिंचाई के क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े। सागर हमारा एक तरह से मध्य प्रदेश का जंक्शन है, देश के भी लगभग सेंटर में है और मध्य प्रदेश के तो सेंटर में है, और इसलिए काफी सड़कें हमारे सागर से होकर गुजरती हैं। सड़कों की हालत ये थी आज से जब हम लोग 15 साल पीछे जाते हैं, हम लोग सागर से भोपाल नहीं जा सकते, हम लोग सागर से जबलपुर नहीं जा सकते, हम लोग सागर से छतरपुर नहीं जा सकते, सागर से नरसिंहपुर नहीं जा सकते। ये सड़कों की हालत हमारी हो गई है। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के सागर के जो सेंटर है, आप किसी भी रोड पर चले जाए, जितने अच्छे रोड हमारी सरकार ने बनाए हैं, चाहे आप सागर से दिल्ली से चले जाए, चाहे जबलपुर चले जाए, चाहे नरसिंहपुर चले जाए, तेजी से हम लोगों ने सागर को अच्छे रोड बनाकर देने का काम किया। हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके साथ ही विकास आता है। रोडों के क्षेत्र में आज हमारा बुंदेलखंड बहुत अच्छा है, और विशेष रूप से जो अटल जी ने स्वर्ण कारीगर जो चतुर्भुज स्वर्ण कारीगर जो अटल जी ने बनाया था, वो भी हमारे सागर से होकर गुजरता है, तो उसका भी लगभग जंक्शन है, उससे भी काफी तेजी से उस पूरे एरिया में विकास हुआ है। फिर हम लोगों ने हेल्थ के सेक्टर में अगर देखें तो मध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश में 40 वर्षों तक कोई भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। 40 वर्षों के बाद जब माननीय स्वराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सागर में 40 साल के बाद पहला मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने खुलने का काम किया। सागर का मेडिकल कॉलेज आज अच्छी स्थिति में है, लगभग 250 सीट आज सागर मेडिकल कॉलेज की हो गई है। दूसरा, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने दमोह में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है, छतरपुर का भी काम प्रारंभ हो गया है, दमोह का भी कार्य प्रारंभ भूमि पूजन हो गया है। तो मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में हम लोगों ने हेल्थ के सेक्टर में बहुत तेजी से दिशा में काम हमारी सरकार ने किया है, और धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटी सागर में अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वो भी बड़ा है। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो सागर में जो हमारी यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर भट्ट साहब ने बनाई थी, वो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देश की बड़ी यूनिवर्सिटियों से यूनिवर्सिटी है, और उसमें भी शिक्षा का एक बड़ा स्थान था। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए हम लोगों को अभी और काम करने की जरूरत है। हमारे सागर में स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ये हमारी मानवीय हम लोग चाहते भी हैं,
छतरपुर में स्टेट यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई हुई है जो चल रही है। अभी सागर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आई है, एक स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, एक दमोह में भी एकलव्य यूनिवर्सिटी आई है, एक छतरपुर में है, मुझे नाम याद नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से सागर बढ़ा है। रेलवे की दृष्टि से हम अगर देखें तो रेलवे में सागर एक तरह से जंक्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो कोयले का सारा ट्रांजेक्शन आना जाता वो पूरा रेलवे ट्रैक सागर से, उसमें धीरे धीरे करके हम लोगों ने यात्री सुविधाओं की दृष्टि से ट्रेनें बढ़ाने का काम किया। और आज सागर में लगभग एक आध जगह को हम लोग छोड़ दें, साउथ पर थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, बाकी अगर हम लोग छोड़ दें तो सागर में आज पर्याप्त संख्या ट्रेनों की आने जाने की दृष्टि से हो गई है। बुंदेलखंड में रोजगार की दृष्टि से हम लोग देते हैं, रोजगार की दृष्टि से अभी हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, और इसलिए अभी सरकार में हर जगह में हम एक कोई और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।